बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं बाबा सैयद नियाज़ अली बादशाह सरकार के दरबार पर। वहाँ आज उर्स मुबारक है, तो बाबा सैयद नियाज़ अली बादशाह सरकार का दरबार जो है हमारे गांव से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर अगर बाई रोड आए तो वहाँ से पड़ता है, बिदर स्टॉप से अंदर है, तो वहाँ आज उर्स हो रहा है। बाबा सैयद नियाज़ अली बादशाह सरकार जो है हमारे 5वीं पुश्त में से जो है वलीअल्लाह हुए हैं। हमारे मतलब 5 जो है लड़ियाँ पीछे जाएँ तो उनमें से हैं, तो बाकी जो हैं उनकी करामात वगैरह और दूसरे मतलब है जितने हैं सिलसिला है कहाँ से आए और क्या क्या मतलब है उनका इस इलाके में करामात थी, वो हम आपको बाद में मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो आज जो है हम थोड़ा सा मेले का जो है आपको व्यू दिखाएंगे। छोटा सा मेला होता है, इतना बड़ा मेला तो नहीं होता, पहले हुआ करती थी, कबड्डी हुआ करती थी, बैलों की दौड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है सिर्फ दुआ वगैरह होती है, कोई छोटा मोटा मैच वगैरह होता है और दुकानें वगैरह लगी होती हैं जलेबी वगैरह की और झूले वगैरह लगे होते हैं। तो आज जो है अभी आपको दिखाते हैं दुआ के भी मनाजर और दरबार का भी व्यू, और बहुत ही प्यारा जो है यहाँ से नज़ारा है पहाड़ों का जहाँ सरकार की ये दरबार है, दरगाह है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। नात खान जो हैं हज़रात वो नातें वगैरह पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर तक जो है दुरूद होगा। ये बाबा सैयद तालब हुसैन शाह सरकार की कब्र मुबारक है, जो बाबा सैयद नियाज़ अली शाह सरकार की आल औलाद हैं और ये भी फ़कीर हुए हैं, ये उनकी कब्र है। बाहर लंगर वगैरह जो है तैयार हो रहा है, तकरीबन दरूद का टाइम जो है करीब ही है, तो आइए बाहर दिखाते हैं लंगर वगैरह का जो है सिलसिला। ये डाल रहे हैं चावल, ये अभी तकसीम किए जाएंगे, ये लगे हुए हैं, ये आग, और ये कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, ये भी आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अभी दुरूद का वक्त हो रहा है तो दुरूद की थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और बाद में जो है ये मेले के भी जो है मनाजर दिखाएंगे आपको। ये जो है हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये दो कमरे बने हुए हैं, एक अभी कुछ टाइम पहले बना है और ये थोड़े ये पुराना है, ये पत्थरों का बना हुआ है, तो इस ये खुले होते हैं हर वक्त, जो भी आते हैं ज़ायरीन वगैरह और जितने भी लोग आते हैं ये यहाँ बैठकर लंगर वगैरह पकाते हैं, खाते हैं, दुआ वगैरह करके इधर दरबार पे जितने भी मुरीदैन। ये पानी का कूलर लगा हुआ है, ठंडा पानी आप यहाँ से पी सकते हैं गर्मी वगैरह में जब भी आएँ, और साथ ही ये जो है कूलर के ये तंदूर लगा हुआ है, यहाँ आप जब आएँ तो लंगर वगैरह पकाने के लिए यहाँ आप रोटियाँ वगैरह पका सकते हैं यहाँ पे। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, ये खादम है यहाँ दरबार के, बड़ी ड्यूटी है इनकी यहाँ दरबार की, ये काफ़ी टाइम से खिदमत कर रहे हैं, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे। कदू तू बाबा जी तुसा इत्थे ड्यूटी कर रहे हो? ये 22 साल जाना पे। 22 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ते तुसा नी कितनी एज हो गई है? ये छेने कोल जा रहे हैं जी। 80 साल। अच्छा, ते ये जड़े सरकार ने बाबा तालब शाह सरकार, इन्हां की तुसा तके आ सी? हां, बाबा तालब शाह तके। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ते अल्लाह पाक तुसा की सेहत दे है और इसे तरीके तुसा ड्यूटियां करने रहो, ते थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ज़ुबैर भाई जो है तकसीम कर रहे हैं फ्रूट वगैरह, तो हम ये लेंगे, थैंक यू।
ये पानी भर के रखा हुआ है। अभी जो है ये लाइनें बन रही हैं, तो अभी लंगर तकसीम होगा यहाँ पे। तो व्यूज़ आइए आपको मेले की जो हैं रौनकें वगैरह, बाहर स्टॉल वगैरह जो लगे हुए हैं वो दिखाते हैं। ये बच्चे झूले जो हैं उन पे खेल रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये दुकानें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ। उस साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एक किश्ती भी आई हुई है छोटी सी, और ये दूसरे झूले हैं। बचपन में हम भी इन पर बैठा करते थे, और इसके चक्कर एक दफ़ा इतने चक्कर आते हैं। एक दफ़ा मैं बैठा तो उल्टियां जो है लग पड़ी थी मुझे। ये कश्ती भी अभी स्टार्ट होगी। बच्चे जो हैं ये बैठ रहे हैं। ये अभी बिठा रहा है इनको कश्ती में बंदा। अभी इसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको दिखाते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। ये स्टार्ट हो गई जी। ये बच्चे बैठे हुए, छोटी सी कश्ती है, एक बड़ी होती है, ये छोटी कश्ती है। ये इधर से टायर से ये इसको लगाते हैं, उधर से ये रेस है इसकी, ये तो ये चलती है। ये दित्ता साहब हैं, तो इनसे हम कुछ सवालात वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? सेहता ठीक ना? अल्लाह का शुक्र। तो ये पंजाबी बोलते हैं, इस वजह से हम इनसे पंजाबी में बात करेंगे। तो कदू ना मेला होना पे जी? सर जी जमने पहला मेला हो रहा है। अच्छा अच्छा, जमने पहले ना तो ये चिप्स लाए ने? जी रेड़ी लाई है सरकार, बच्चों रिजक कमाने रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। तो ये किस रहा पा देने हो? ये तकरीबन जी 50 रुपए देने हैं। 50 ने जी? ठीक है, मतलब है कि हां जी तोल शोल का है जी? जी तोल रखे हैं जी, तकड़ी रखी है, 50 रुपए पा आलू है कि हो है। अच्छा अच्छा, इसके नल तल के देने हैं बच्चों की। वाह वाह। उसके बाद है जनाब एक विश्वासन और कोई कंपनी ने, ठीक है, इन्हां नाल बच्चों की। और उसके बाद है नींबू रखे हैं जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब है कि एक देसी जा माहौल बनाया है, क्या बात है। ठीक है, अपने बच्चे वासी जी, मैं सब बस्ती ना रहने वाला। ठीक है, बावे ना चाड़ूका शाह। वाह 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 वाह, ए बावे और ने खिदमत भी करने जी, दरबार है जी बावे ना। चाड़ूकाश नो ते मालिक बावे और ने वसीले नाल इना ने रिज़्क च इजाफा फरमान। अल्लाह पाक दुआ करना जी, साडे वास्ते दुआ कर। सलामत रहो जी। ठीक है जनाब, ये कुल्फियों वाले भी आए हुए हैं, आइसक्रीम वाले। अमरा से किस रहन जी? अमरा से 380 रुपए किलो। 380 ते जलेबी है बड़ी सोहनी लाई है, जलेबी किस रहे वे? जलेबी भी आपा आला 380। वाह जी वाह, ते केड़ी जगह तू आयो तुसा?
ਸ਼ਾਸਫੀਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ اللهم احفظ لنا فإنك خير الحافظين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بالقرآن الكريم اللهم ارزقنا رزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولك الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما رب اجعلني مقيما الصلاة وأمن بذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافي البليات يا أهل المشكلات يا أهل المشكلات يا أهل المشكلات أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير مولى كرد نکلام پاک پڑھ کے درود تاج پڑھا کے مولا ایک نیاز پیش तो व्यूअर्स आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।